हेलो पीपल, जुबैर स्पीकिंग एंड यू आर वॉचिंग रेड वुल्फ। ये हमारी गार्डियन ऑफ गैलेक्सीज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम करेक्टर्स के जो ओरिजिन से रिलेटेड बातें हैं वो कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो वीडियोस कवर की हैं उनमें ग्रूट और रॉकेट कैसे मिले और स्टार लॉर्ड कैसे बना, और आज जो वीडियो है ये है कि ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, ये करेक्टर का ओरिजिन क्या है। और इस करेक्टर का जो ओरिजिन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, तो उम्मीद है आसानी से समझ आ जाएगी। तो अगर हम इस करेक्टर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ड्रैक्स सबसे पहले आयरन मैन इशू 55 में नजर आया, जो कि फरवरी 1973 में पब्लिश हुई थी, जिसके राइटर का नाम जिम स्टार्लिन था। इसके बाद ये करेक्टर बहुत सी कॉमिक्स में नजर आया, जैसा कि कैप्टन मार्वल वॉल्यूम 1 इशू 27, वॉरलॉक इशू 10, आयरन मैन इशू 88। तो जो आखिरी बार ये करेक्टर नजर आया है वो 2012 में इशू होने वाली कॉमिक जिसका नाम अवेंजर्स असेंबल था, उसमें नजर आया था। तो बेसिकली अच्छा, अब तक आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये ड्रैक्स जो है ये भी एक एलियन है, लेकिन ऐसा नहीं। ड्रैक्स बेसिकली एक ह्यूमन था जिसका नाम आर्थर डगलस था, जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस करता था और थोड़ा गाना बजाने का काम भी करता था। तो एक दिन ड्रैक्स अपनी बीवी और बेटी के साथ गाड़ी में बैठा एक डेजर्ट में से गुजर रहा था कि अचानक इसकी गाड़ी पर हमला होता है किसी चीज से, जिससे वो और उसकी बीवी मर जाते हैं और सिर्फ उनकी बेटी बच जाती है। ये हमला करने वाला कोई और नहीं, थैनस था, जो कि एक स्पेसशिप में बैठा उनकी कार के ऊपर से गुजर रहा था। थैनस के फादर, जिनका नाम मेंटोर था, उन्हें पहले ही थैनोस की जो हरकतों पर शक था, तो वो उस पर नजर रखे हुए थे। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने आर्थर की बेटी को अडॉप्ट कर लिया और उसे ट्रेन करके एक वॉरियर बना दिया, और उन्होंने उसका नाम मून ड्रैगन रख दिया। अब इन्हें थैनोस से लड़ने के लिए एक कोई अच्छा सा पावरफुल सा करेक्टर भी चाहिए था, तो उन्होंने जो आर्थर मरने से उसकी थोड़ी सी जो सांसें बाकी थी उससे पहले उसकी जो है रूह निकाल ली, यानी कि आत्मा उसकी एक निकाल के उसको एक नई बॉडी में डाल दिया, जिसको उन्होंने बाद में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर का नाम दिया, जिसका बेसिकली सिर्फ एक पर्पज था कि थैनोस को कत्ल कर। मेंटोर ने बेसिकली उसकी जो थी मेमोरी रिमूव कर दी ताकि वो उसको पेन से बचाया जा सके उसकी बेटी और बीवी के कत्ल से, तो इसलिए उसकी मेमोरी क्या कर दी गई थी, रिमूव। लेकिन एक दफा थैनोस से फाइट के दौरान उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और उसका जो थैनोस को कत्ल करने का जो इरादा था वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम ड्रैक्स की शक्तियों की बात करें तो जब ये करेक्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये काफी स्ट्रांग था, यानी इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी, ये उड़ भी सकता था और ये कॉस्मिक ब्लास्ट भी करता था और ये जल्दी हील भी हो सकता था, और सबसे मजे की बात ये थैनोस को सेंस कर सकता था, या अगर कोई थैनोस से मिलकर आया है या उससे मिलने वाला है तो ये उसे भी सेंस कर लेता था। 2006 की कॉमिक के बाद इसकी जो है फिजिकल स्टेट थोड़ी सी चेंज हो गई, यानी अब इसके पास ना वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ना ये उड़ सकता है, ना ये कॉस्मिक ब्लास्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी खैर ये चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है। अब मेरे ख्याल से जो बैटिस्टा ने इसका जो करैक्टर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में जो किया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त किया है, फ़नी भी था और जो फाइट के सीन भी थे वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।